जी हाँ दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बाद आईपीएल 2021 के पॉइंट्स टेबल में हुआ बड़ा बदलाव। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को लगा तगड़ा झटका, तो वहीं पर मुंबई इंडियंस और कोलकाता की टीम हुई खुश। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आईपीएल 2021 का एक और रोमांचक मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई के बीच खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतिम ओवरों में शानदार जीत हासिल कर ली। दिल्ली की जीत के बाद आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में भूकंप आ चुका है। अब यहां पर चेन्नई की टीम को कौन सा बड़ा तगड़ा झटका लग चुका है, साथ ही में मुंबई और कोलकाता की टीम क्यों खुश हुई है, साथ ही में आरसीबी के लिए भी कौन सी बड़ी खुशखबरी आई है। आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल पूरी तरह से विस्तार से आज हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट मात्र 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं आईपीएल 2021 में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आईपीएल 2021 का 50वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया। यह मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को पहले बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। जी हाँ दोस्तों, एमपीएल पर टीम बनाकर आप करोड़ों रुपए जीत सकते हो। एमपीएल पर खेलने से आप आईफोन तक जीत सकते हो, एक दिन नहीं बल्कि रोज रोज जीत सकते हो। एमपीएल पर आप ग्रैंड कॉन्टेस्ट में एंटर करके लाखों रुपए जीत सकते हो, करोड़ों जीतो करोड़ों जीत सकते हो। बहुत सारे फैंटेसी ऐप दावा करते हैं, पर ये सच में देते हैं क्या? सच्चाई तो यह है कि सबसे आसान और रियल ऐप है एमपीएल। एमपीएल पर टीम बनाना बिल्कुल आसान है। इस ऐप पर दीप दास गुप्ता जैसे एक्सपर्ट खिलाड़ी आपको टीम बनाकर देते हैं, मेहनत उनकी और फल आपका। अभी तक मैं 20 टीम बना चुका हूं और दोस्तों कल मेरी 15वीं टीम ने मुझे 8000 रुपए जिता दिए। आज मैं कम से कम 25 टीम बनाकर खेलूंगा। चलो दिखाता हूं मेरी आज की टीम कैसी है, देर किस बात की, जाओ अभी एमपीएल पर टीम बनाओ। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड करिए एमपीएल के ऐप को और पाइए रोजाना आईफोन जीतने का मौका। दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एट योर ओन। जी हां दोस्तों, टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की शुरुआत ठीक ठाक रही। इसके बावजूद महज 10 रन के स्कोर पर फाफ डु प्लेसिस पवेलियन लौट गए। वहीं ठीक इसके बाद 13 रन बनाकर ऋतुराज गायकवाड़ भी आउट हो गए। पावर प्ले के 6 ओवर में चेन्नई की टीम ने 2 विकेट के नुकसान पर 48 रन बना लिए थे। इसके कुछ ही देर बाद मोइन अली 5 रन बनाकर आउट हुए। रॉबिन उत्थापा भी 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन फिर अंबादी रायडू और धोनी ने चेन्नई की पारी को संभाला। जहां धोनी 18 रन बनाकर आउट हुए, तो वहीं पर अंबादी रायडू ने 55 रनों की नाबाद पारी खेली। जी हां दोस्तों, इस तरह से चेन्नई की टीम ने 20 ओवर की पारी में 5 विकेट के नुकसान पर 136 रन बना लिए थे। 137 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत शानदार रही। हालांकि पृथ्वी शॉ मात्र 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, तो वहीं पर श्रेयस अय्यर 2 रन बनाकर आउट हुए। दिल्ली की टीम ने पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे। एक तरफ शिखर धवन शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो दूसरी तरफ ऋषभ पंत भी 15 रन बनाकर चलते बने। उसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रिपल पटेल ने 18 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन फिर शिखर धवन भी 39 रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का शिकार बने। अंतिम ओवरों में सिमरन हेटमायर ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 28 रनों का योगदान दिया। इस तरह से दिल्ली की टीम ने इस मुकाबले को 3 विकेट से जीत लिया। तो चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दिल्ली कैपिटल्स की शानदार जीत के बाद आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में कौन सा भूकंप आ चुका है, चेन्नई की टीम को कौन सा तगड़ा झटका लग चुका है, साथ ही में बेंगलोर की टीम क्यों खुश हुई है, साथ ही में कोलकाता और मुंबई की टीम के लिए भी कौन सी बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए दोस्तों आईपीएल 2021 का पॉइंट टेबल पूरी तरह से विस्तार से जान लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 8 की टीम की। दोस्तों यहां पर आती है सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। जी हां दोस्तों, हैदराबाद की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 12 मुकाबले खेले हैं। 2 मुकाबलों में जीत मिली है, 10 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। कुल उनके 4 पॉइंट्स है और उनके नेट इंडेट की बात करें तो -0.47 का उनका नेट इंडेट है। यानी कि हैदराबाद की टीम पूरी तरह से प्लेऑफ से बाहर हो गई है, उनकी कोई भी उम्मीद नहीं है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 7 की टीम की। दोस्तों यहां पर आती है मुंबई इंडियंस की टीम। मुंबई इंडियंस की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 12 मुकाबले खेले हैं। 5 मुकाबलों में उन्हें जीत मिली है, 7 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। उनकी पॉइंट्स की बात करें तो कुल उनके 10 पॉइंट्स है और उनके नेट इंडेट की बात करें तो -0.45 का उनका नेट इंडेट है। यानी कि दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम इस सीजन में अभी भी प्लेऑफ की रेस में बनी हुई है। मुंबई इंडियंस की टीम को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए आने वाले 2 में से 2 मुकाबले जीतने होंगे, बड़े अंतर से जीतने होंगे। मुंबई की टीम यह कारनामा कर सकती है। पहले भी कई बार मुंबई इंडियंस की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऐसे में कारनामे कर प्लेऑफ में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में
दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या मुंबई इंडियंस की टीम इस बार के प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? इस बार के सीजन में क्या यहां पर प्लेऑफ में पहुंच पाएगी? उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 6 की टीम की। दोस्तों यहां पर आती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। जी हां दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, जिसमें 5 मुकाबलों में जीत मिली है, 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों उनके पॉइंट्स की बात करें तो उनके भी 10 पॉइंट्स है और उनके नेट इंडेट की बात करें तो -0.33 का उनका नेट इंडेट है। यानी कि दोस्तों राजस्थान रॉयल्स की टीम ने भी इस सीजन में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स की टीम अब भी प्लेऑफ में बनी हुई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम को अगर यहां पर प्लेऑफ में पहुंचना है तो आने वाले 2 में से 2 मुकाबले जीतने होंगे, बड़े अंतर से जीतने होंगे, तब जाकर राजस्थान की टीम प्लेऑफ में पहुंच सकती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 5 की टीम की। दोस्तों यहां पर आती है पंजाब किंग्स की टीम। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, 5 मुकाबलों में जीत मिली है, 8 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कुल उनके 10 अंक है और दोस्तों उनके नेट इंडेट की बात करें तो -0.24 का उनका नेट इंडेट है। यानी कि दोस्तों पंजाब किंग्स की टीम ने जिस तरह से इस सीजन में प्रदर्शन किया है वह बहुत ज्यादा खराब है। पंजाब किंग्स की टीम पूरी तरह से प्लेऑफ की रेस से बाहर हो चुकी है। अगर दोस्तों कोलकाता की टीम आने वाला एक मुकाबला हार जाती है और राजस्थान और मुंबई की टीमें मतलब कि एक एक ही मुकाबला जीतती है, तब जाकर ही पंजाब के पास ही मौका होगा कि वह प्लेऑफ में पहुंचे। दोस्तों जो कि नामुमकिन नजर आता है, ऐसे में पंजाब किंग्स की टीम पूरी तरह से बाहर हो गई है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 4 की टीम की। दोस्तों यहां पर आती है कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम। जी हां दोस्तों, कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 13 मुकाबले खेले हैं, 6 मुकाबलों में जीत मिली है, 7 मुकाबलों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। कुल उनके 12 अंक है और उनके नेट इंडेट की बात करें तो +0.29 का उनका नेट इंडेट है। कोलकाता के नाइट राइडर्स की टीम के लिए प्लेऑफ में पहुंचने के लिए बहुत अच्छा चांस है, क्योंकि दोस्तों कोलकाता की टीम का अभी भी नेट इंडेट प्लस में बना हुआ है, यह उनके लिए बड़ी खुशखबरी की बात है। कोलकाता की टीम अगर आने वाला एक मुकाबला जीत जाती है तो वह आसानी से प्लेऑफ में जगह बना सकती है। हालांकि कोलकाता के लिए यह आसान नहीं रहने वाला है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कोलकाता की टीम किस तरह से आने वाले मुकाबलों में प्रदर्शन करती है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 3 की टीम की। दोस्तों यहां पर आती है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की टीम। जी हां दोस्तों, बैंगलोर की टीम पूरी तरह से ऑफिशियली क्वालिफाई हो चुकी है। बैंगलोर की टीम ने अब तक इस सीजन में कुल 12 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। कुल उनके 16 अंक है और उनके नेट इंडेट की बात करें तो -0.15 का उनका नेट इंडेट है। बैंगलोर की टीम के अब भी 2 मुकाबले बचे हैं। बैंगलोर की टीम चाहेगी कि दोनों में से दोनों मुकाबले जीतकर यहां पर टॉप 2 में अपने गेम को फिनिश करे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 2 की टीम की। दोस्तों यहां पर चेन्नई की टीम को तगड़ा झटका लग चुका है। चेन्नई की टीम नंबर 2 के स्थान पर पहुंच चुकी है। चेन्नई की टीम ने अब तक इस सीजन में 13 मुकाबले खेले हैं, 9 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। कुल उनके 18 अंक है और उनके नेट इंडेट की बात करें तो +0.73 का उनका नेट इंडेट है। चेन्नई का नेट इंडेट बढ़िया है। चेन्नई की टीम पूरी तरह से क्वालिफाई हो चुकी है, लेकिन चेन्नई की टीम भी चाहेगी कि आने वाला एक मुकाबला जीतकर अपने मतलब कि इस सीजन को टॉप 2 में फिनिश करे। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं आईपीएल 2021 के पॉइंट टेबल में नंबर 1 की टीम की। दोस्तों यहां पर आती है दिल्ली कैपिटल्स की टीम। दिल्ली कैपिटल्स की टीम पूरी तरह से यहां पर प्लेऑफ में क्वालिफाई हो चुकी है और टॉप 2 में रहने की भी उम्मीद यहां पर बरकरार है। दिल्ली की टीम टॉप 2 में जरूर रहेगी, साथ ही में उनके लिए पहला क्वालिफायर मुकाबला, उसमें दिल्ली की टीम तो जरूर शामिल होगी। दोस्तों दिल्ली की टीम ने अब तक इस सीजन में 13 मुकाबले खेले हैं, 10 मुकाबलों में जीत मिली है, 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। कुल उनके 20 अंक है और उनके नेट इंडेट की बात करें तो +0.52 का उनका नेट इंडेट है। दिल्ली की टीम पूरी तरह से क्वालिफाई हो चुकी है और क्वालिफायर 1 में उनका नाम आ चुका है। दोस्तों कुछ इस तरह से आईपीएल 2021 का लेटेस्ट पॉइंट टेबल है। दोस्तों मेरे हिसाब से दिल्ली और चेन्नई के बीच ही फाइनल मुकाबला खेला जा सकता है। दोस्तों इसे में आपको क्या लगता है, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है, कौन सी टीम इस बार का आईपीएल का खिताब जीतेगी, उसका जवाब आप हमें कॉमेंट करके जरूर दें। साथ ही में एमपीएल की ऐप को डाउनलोड जरूर करें, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां पर रोजाना आईफोन जीतने का मौका है। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।